हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई हो गाइस, आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। सो फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया हो कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ड्राइंग डेली बनाते हैं, इतनी सारी हमारे पास ड्राइंग हो जाती है कि हम हर ड्राइंग को फ्रेम नहीं करवा पाते, क्योंकि गाइस जो फ्रेम आता है वो 200 से 250 रुपये तक का आता है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा मतलब महंगे होते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि आप घर में मात्र 40 रुपये में आप अपनी ड्राइंग के लिए फोटो फ्रेम बना सकते हैं गाइस, वो भी सिर्फ 40 रुपये में। जी हाँ, सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको टोटल समझ में आने वाला है कि आपको कैसे फोटो फ्रेम बनाना है एंड उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आप लोगों को। तो इस वीडियो को आपको एंड तक तो देखना पड़ेगा। एंड गाइस, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हो, तो इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि गाइस मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने मेरी वीडियो को देख के अपने घर पे फोटो फ्रेम बनाया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, कौन सी सिटी से देखते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट में अपना नेम सिटी जरूर मेंशन करिएगा। मैं गाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की जरूरत है मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये मैं एक लेके आई हूँ मार्केट से। एंड गाइस, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर में जो ऊपर में जो वायर होते हैं ये उड़ने लगती है, देख सकते हैं ये वाली ना, इस तरीके से। इसमें गाइस ये दो होती है, आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर मिल जाएगी। एंड गाइस, ये 5-5.5 फीट के लगभग की होती है। एंड ये गाइस आपको मात्र 40 रुपये में मिल जाएगी किसी भी शॉप में। ये देखिए, इस तरीके से होती है, इसमें दो होती हैं। तो गाइस, अब आपको फोटो फ्रेम कैसा बनाना है इस वीडियो में आगे देखिए। सो फ्रेंड, मैं एक ले आई हूँ अपनी ड्राइंग का फोटो। एंड गाइस, ये मैंने रिसेंटली हनुमान जी की ड्राइंग बनाई थी और अभी तक गाइस मैंने इसको फ्रेम नहीं करवाया है, और चलते गए आज हम इसको फ्रेम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको गाइस ये जो मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉप पर मिल जाएगी। एंड गाइस, आपको क्या करना है, आपको ये इसके नाप पर कट कर लेना है। मीन्स ये देखिए, आप नाप सकते हैं और नाप के गाइस आप निशान लगा लीजिएगा किसी भी चीज़ से। बाकी गाइस हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा मार्क है और गाइस यहाँ पर आपको हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये सो गाइस, ये हो गया हमारा यहाँ तक, और इसको गाइस आप कट कर लीजिएगा किसी भी ब्लेड के मदद से। तो चलते हम इसको काट लेते हैं। तो गाइस, हमने एक ये कट कर लिया है, अब हम इसी के साइज का सेम दूसरी तरफ का भी कट कर लेंगे। गाइस, हमने दो काट लिया है और अब हम काटेंगे इसकी नीचे वाली। फिर हमें इसकी फोटो की नीचे वाले को भी नाप लेना है कुछ इस तरीके से। ये भी हमारे दो कट चुके हैं और ये भी दो कट चुके हैं। अब आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा फोटो फ्रेम, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है अपने फोटो फ्रेम में एंड देन इस कोनों को आपको कट कर लेना है। दोस्तों, हमारा फ्रेम बन के हो चुका है रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छी तरीके से फेविक्विक से चिपका भी दिया है। और अब आपको आगे क्या करना है इस वीडियो में,
तो दोस्तों हमारा फ्रेम हो चुका था रेडी, आप देख सकते हैं। एंड गाइज इसमें आपको क्या करना है, एक ये इस तरीके की पन्नी लगानी है। एंड गाइज ये पन्नी आपको कहीं भी गिफ्ट हैम्पर के शॉप पे मिल जाएगा। और गाइज इस पन्नी में दो होती हैं, मतलब चिपकी हुई, तो आपको टेप की मदद से या फिर आप किसी दुकानदार से भी कह देंगे तो वो आपको अलग अलग करके दे देगा। एंड गाइज ये पन्नी आपको मार्केट में 20 से 30 रुपये मीटर के हिसाब से मिल जाएगी। तो मैंने इस तरीके की पन्नी ले ली है। बाकी गाइज आपको इस तरीके से जो हमने ये निकाले थे साइड से, ये आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है। एंड गाइज आपको कुछ ऐसा लगाना है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक्स्ट्रा पन्नी को आप लोगों ने कट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा फ्रेम बन के हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो। और मैंने इसके अंदर पन्नी भी लगा दी है। एंड गाइज अब मैं इसमें कलर करने के लिए ये ब्लैक कलर का एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक के अलावा जो भी आपको कलर कलर लगे वो आप कर सकते हैं। तो ना भाई वीडियो को आज करते हैं यही, चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।